हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल डीआरएक्स मैड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एजरोलिड 500 mg टेबलेट के बारे में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसका प्राइस, इसके यूजेस, कुछ कॉमन साइड इफेक्ट, इसको इस्तेमाल कैसे करना है और ये वर्क कैसे करती है। लास्ट में आपको बताऊंगा कुछ सेफ्टी एडवाइस। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को एंड तक देखना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, चलते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। एजरोलिड 500 mg टेबलेट का प्राइस लगभग हमारा 131 रुपये 90 पैसे की है, जो कि लीफोर्ड कंपनी द्वारा बनाई जाती है। और जो इसका कॉम्पोजिशन देखा गया है, इसके अंदर एजिथ्रोमाइसिन 500 mg है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके यूजेस और डॉक्टर द्वारा कब प्रिस्क्राइब किया जाता है इस टेबलेट को। दोस्तों, जो इसके यूजेस देखे गए हैं और डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है हमारा एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट, ये हमारी एक टाइप की ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया में यूज़ किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से बैक्टीरिया में यूज़ किया जाता है हमारा एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट को। अगर किसी व्यक्ति को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे कि अगर उसको ब्रोंकाइटिस हो जाता है, अगर उसे निमोनिया हो जाता है, क्योंकि दोनों हमारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, तो उस समय डॉक्टर द्वारा एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट दी जाती है, जिससे उसका जो ब्रोंकाइटिस भी हो और निमोनिया हो वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाए। और ये भी देखा गया है, अगर किसी व्यक्ति को स्किन इन्फेक्शन हो रहा है, स्किन इन्फेक्शन पे अगर उसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है उसकी स्किन पर, तो उस समय भी डॉक्टर द्वारा दी जाती है हमारी एजिथ्रोमाइसिन की टेबलेट। और तो और ये भी देखा गया, अगर किसी व्यक्ति को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे कि अगर उसे यूटीआई हो रहा है, जिसे हम कहते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो उस समय भी डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है इस टेबलेट को। और अगर व्यक्ति को एसटीडी हो रखा है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज है, अगर ये भी होता है तो डॉक्टर उस समय भी ये दवाई चलाई जाती है हमारी एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट को। और तो और ये भी देखा गया, अगर किसी व्यक्ति को ईयर इन्फेक्शन हो रहा है, अगर उसके कानों में पस आ रहा है और इन्फेक्शन हो गया है, तो उसको भी ठीक करने के लिए दी जाती है हमारी एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट। और तो ये भी देखा है, अगर किसी व्यक्ति को साइनस की प्रॉब्लम जाती है, साइनस में उसमें क्या होता है, उसके नाक में बहुत ही दर्द होता है, उसे कोल्ड जैसा लगता है और उसकी वजह से उसको पूरे सर में दर्द होता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है हमारा एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट। और ये भी देखा गया, अगर किसी को थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया है कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में अगर किसी व्यक्ति को थ्रोट इन्फेक्शन भी हो जा रहा है, तो उस समय भी डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है इस एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट को। इसमें क्या होता है कि अगर आप खाना वाना खाते हो तो आपके थ्रोट में बहुत ही दर्द होता है, मतलब आपके गले में बहुत ही दर्द होगा कि आप कुछ भी खा नहीं पाओगे, तो उस समय भी डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है हमारा एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट को। और तो ये भी देखा गया, अगर किसी व्यक्ति को टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, ये क्या होता है, हमारे जो गले में होता है बहुत छोटे छोटे होते हैं, उसमें रेडनेस ही आ जाती है और स्वेलिंग आ जाती है, तो खाना खाते समय भी उसमें बहुत ही प्रॉब्लम होती है, कुछ भी तीखा लग जाता है तो बहुत ही जलन मचती है, तो उस जो टॉन्सिलाइटिस है उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है हमारा एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट। तो दोस्तों, यही है, कुछ डॉक्टर अपने अनुभव से भी प्रिस्क्राइब कर सकता है। तो यही है इसके कुछ यूजेस। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ये हमारी एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट है आपको कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों, मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, कोई भी मेडिसिन या मेडिसिन से रिलेटेड कुछ भी हो, अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के एडवाइस से अगर आप लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। दोस्तों, जो हमारी एजिथ्रोमाइसिन है टेबलेट है, ये आपको 500 mg में भी मिल जाएगी और ये आपको 250 mg में भी मिल जाएगी। वो डिपेंड करता है कि आपका जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो कितना बड़ा है और कितना ही ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। अभी जो मैं आपको 500 की डोज बताता हूँ, ये आपको कैसे लेना है। अगर जो इसकी 500 mg की डोज है एजिथ्रोमाइसिन की, आप दिन में एक बार ले सकते हो, वो डॉक्टर आपको बता देगा, दिन में आप सुबह लो या शाम को, वो आपके इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग बता देगा दिन में एक बार। और जो इसकी ड्यूरेशन है, आपको कितने लंबे समय तक लेना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 दिन तक आपको डॉक्टर बोलेगा। और जो इसकी 250 mg में आती है टेबलेट, वो मोस्टली डॉक्टर आपको दिन में 2 बार भी बोल सकते हैं। अगर बैक्टीरिया बहुत ही कम होगा तो वो आपको दिन में 1 बार भी बोल सकते हैं। और जो इसका भी ड्यूरेशन है, आपको 3 से 5 दिन का होगा। और जो ये 18 साल से ऊपर के बता रखा है, जो उनसे छोटे हैं उनको भी टेबलेट देंगे, लेकिन 12 साल से ऊपर वाले बच्चे को, और उनसे नीचे के लिए सिरप भी आता है, तो
उस वो भी दे सकते हैं। तो दोस्तों यही है कि कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं हम एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट को। अब मैं आपको बताता हूँ अगर इस टैबलेट को लेते हैं तो कुछ साइड इफ़ेक्ट आपको क्या क्या दिख सकते हैं। दोस्तों जो इसके साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं इस एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के, आपको कभी कभार डायरिया सा लगेगा और तो और कभी कभार आपके स्टमक में पेन भी हो सकता है और आपको नोज जैसी फीलिंग होगी और कभी कभार आपको वॉमिटिंग भी आ जाएगी और आपको हेडेक सा भी कभी कभार लग सकता है। अगर इससे ज़्यादा कुछ लगे तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अब मैं आपको बताता हूँ ये वर्क कैसे करती है हमारी एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट। दोस्तों जो हमारी एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट है ये हमारी एक टाइप की एंटीबायोटिक टैबलेट होती है। ये क्या करता है, जो हमारा बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है उसकी प्रोटीन सिंथेसिस को ही रोक देता है। जैसे जो बैक्टीरिया को खाना पीना चाहिए होता है जिसे हम प्रोटीन कहते हैं उसको ही रोक देता है, जिससे क्या होता है धीरे धीरे जब उसकी प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाती है तो जो बैक्टीरिया वो धीरे धीरे ग्रोथ नहीं हो पाता है, धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाता है। तो यही है कैसे वर्क करता है हमारा एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट। अब मैं आपको बताता हूँ अगर आप इस टैबलेट को लेते हैं तो कुछ सावधानियाँ साइड वो सावधानियाँ ज़रूर रखनी चाहिए। जो इसके कुछ सावधानियाँ हैं सेफ्टी एडवाइस है, पहले तो आपको डॉक्टर की एडवाइस से लेना चाहिए। और बच्चों के लिए इसकी सिरप भी आती है, जैसे कि 6 साल से नीचे बच्चे हैं तो उनके लिए सिरप भी आते हैं और 6 साल से ऊपर बच्चे अगर टैबलेट खा सकते हैं तो उनके लिए टैबलेट डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते हैं। और तो और दोस्तों ये भी है अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग या प्रेग्नेंट लेडी है कृपया करके डॉक्टर की एडवाइस से ही ये दवाई ज़रूर लें। और अगर किसी व्यक्ति को किडनी या लीवर से संबंधित प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं। और अगर आपकी कोई अदर मेडिसिन चल रही है वो भी ज़रूर डॉक्टर को बताएं। तो यही है पूरे यूजेस एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के बारे में बताया मैंने। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।